भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही सीरीज अब खत्म हो गई है। हालांकि सीरीज भारत के पक्ष में नहीं गई, भारतीय टीम सीरीज के 2 मैच हार गई और इसी के साथ सीरीज जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, बराबरी पर भी नहीं ला सकी। अब इस बीच टीम इंडिया को लंबा ब्रेक मिला है। भारतीय टीम अब 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक मैदान पर नजर नहीं आएगी क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी तारीख होगी जब टीम इंडिया मैदान पर नजर आएगी। वहीं ये भी जानना जरूरी है कि किस टीम से भारत का मुकाबला होगा। आपको बताते हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम अब अगस्त में कोई भी मुकाबला नहीं खेलेगी। यहां तक सितंबर में भी पहले हाफ में कोई मैच नहीं है। सितंबर में बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आएगी जहां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी इसलिए काफी अहम रहेगी। इस सीरीज का पहला मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद इसी सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर में होना है जो महीने के आखिरी तक चलेगा। यानी अगले महीने भारतीय टीम केवल 2 ही इंटरनेशनल मैच खेलते हुए दिखाई देगी, बाकी अभी तक के शेड्यूल के अनुसार कुछ भी नहीं है। सितंबर के बाद अक्टूबर में टीम इंडिया का शेड्यूल काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। बांग्लादेश के ही खिलाफ T20 सीरीज है, इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी। यानी अक्टूबर में ही लगातार मैचेस होते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात ये भी है कि इस साल भारत ने केवल 3 ही वनडे मुकाबले खेले हैं जो अभी श्रीलंका में खेले गए थे। इसके बाद अब इस पूरे साल कोई भी वनडे नहीं है। अगले साल फरवरी में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी तभी वनडे मैच होंगे। इसके बाद तुरंत ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। यानी भारत के पास तैयारी के लिए केवल 3 ही मुकाबले और बचे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने इस 3 वनडे मैचों में किया है उससे तो लगता है कि तैयारी में वक्त लगेगा। देखना होगा कि खिलाड़ी अपने आप को कैसे तैयार करते हैं।